जनपद जौनपुर के गौरबादशाहपुर थाना अंतर्गत अपराध निरोधक कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसके दौरान इस कमेटी को विस्तार देने की बात को जोरों पर रखा गया और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का हर संभव सहयोग करने का संकल्प भी लिया गया। बताया जाता है कि इस कमेटी का गठन समाज को घृणित व आपराधिक कार्यों से दूर रखने के लिए हुआ है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जयसिंह राजपूत पिछले एक दशक से करते आ रहे हैं और इस कमेटी की मासिक मीटिंग प्रतिमाह आयोजित की जाती है। अपराध निरोधक कमेटी थाना गौरबादशाहपुर में आप सभी मीटिंग करने आए हैं। सर, आप पदाधिकारी हैं जनपद के और बहुत सारे जगहों पे आपकी कमेटियां चल रही हैं, जिससे मदद मिल रही है प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को। सर, आप बताएं कि आगे क्या कुछ होना है इस कमेटी के तहत? अपराध निरोधक कमेटी के तहत देखिए, सर्वप्रथम ये है कि प्रत्येक जितनी हमारी थाना कमेटी है, समस्त थाना कमेटियों को प्रथम रविवार की बैठक में उपस्थित होना अति आवश्यक है। उसके बाद आगामी जो भी त्योहार हैं, आगामी जो कि जैसा कि ग्राम पंचायत चुनाव आ रहा है, तो इसमें हम अपनी कमेटी से बातचीत में ये कहे हैं कि आप लोग प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव को सकुशल संपन्न कराने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जो अपराध निरोधक कमेटी के सदस्य है वो वहां के मूल निवासी हैं, इन्हें पता है लोगों की गतिविधि के बारे में, कहां अपराध हो सकता है, कहां गलत है, कहां सही है। इनको कानून अपने हाथ में न लेते हुए अपराध निरोधक कमेटी के सदस्यों को अब कानून को अपने हाथ में न लेते हुए अपराध विहीन समाज की स्थापना में मदद करें। अब तक जनपद जौनपुर में जितने भी सदस्य इस कमेटी से जुड़े हैं, क्या आप लोगों ने उनको जस्टिफाई किया कि उनको कोई आपराधिक षड्यंत्र या कोई आपराधिक मुकदमे में वो लिप्त तो नहीं है? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की। समस्त थाना कमेटियों के अध्यक्ष को और सदस्यों को और जिला वालों को इस बात से पहले अवगत कराया गया है कि जो भी व्यक्ति अपराधी किस्म का होगा वो अपराध निरोधक कमेटी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, यकीनन अगर उसमें सुधार है और अपराध निरोधक कमेटी के संरक्षण में आकर वो सुधर सकता है तो ऐसे लोगों को हम सदस्य बनाने से गुरेज नहीं करते। छोटी धाराओं में या आईपीसी के? नहीं, आईपीसी धाराएं हमारे बहुत ऊपर है, वहाँ पे हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। छोटी धाराएं हैं, जैसे जहाँ हमें लगता है, जैसे हमें लगता है कि व्यक्ति जो है मजबूरी बस अपराध कर रहा है, अगर इसकी मदद कर देंगे तो ये अपराध नहीं करेगा। मतलब रोजी रोटी के लिए अगर कोई अपराध कर रहा है। एक आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा, प्रशासनिक महकमे का जो सहयोग आप लोगों ने किया है और करते हैं और जो बीड़ा उठा रखी है कि आगे भी करेंगे निरंतर, सर क्या वो महकमा भी आपके लिए उतना ही तत्परता पूर्वक आपके लोगों के लिए उतना ही संरक्षण देने का काम कर रहा है? बिल्कुल, एक उदाहरण के तौर पे जी, जो भी थाना कमेटियां अच्छा कार्य कर रही है पूरे जिले के अंतर्गत, उनका प्रशासन से अच्छा तालमेल है, प्रशासन उनकी बातों को सुनती है, समझती है और कईयों जगह तो ऐसा देखा गया है कि प्रशासन उनके सहयोग से कई मुकदमे, कई ऐसे केसेस जो बड़ा अपराध का रूप ले सकती थी, हल कराई है। इस मामले में जैसे जलालपुर है, जलालपुर में ऐसे कई वारदात हुए जिसमें अपराध निरोधक कमेटी की सक्रियता की वजह से वहां पे जो है अपराध जो पे नियंत्रण किया गया। धन्यवाद। एक सेकेंड, इनसे ये पूछना है आपको। Okay.